जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों को, कि शील्डें देने का सिलसिला शुरू किया हुआ, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे दोस्तों को शील्डें वगैरह उन तक पहुँचा रहे हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ जनाब, ये सिंहपुरे वाली साइड है, खलीफा मुन्ना जट साहब की छत पर हूँ। तो उनकी कुछ शील्डें थी हमारी तरफ, वो देने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह से इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आगे आपको शील्डें दिखाता हूँ। जो भाई चैनल पे नए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद भी इंशाल्लाह दो छतों पे और जाना है, वो भी वीडियो लंबी होगी, तो वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा, ठीक है जी। तो आपको मिलवाते हैं तमाम दोस्तों के साथ। ये जी हमारे साथ खलीफा मुन्ना जट साहब, जो एरिए के दोस्त हैं वो इनको जानते होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह से इस बार इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फादर कबूतर इनका काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में आता रहा है जी। मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना भाई क्या हाल है? ठीक है। तो मुन्ना भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं पूछता हूँ कि टूर्नामेंट के हवाले से कोई बेहतरी इसमें करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा है भाई, ठीक अच्छा होता है। कोई इसमें अगर कोई और चीज़ को रद्दो बदल करना हो बेहतरी के लिए, रद्दो बदल की करना पाए तो अच्छा हो सकता है। घरों के नाम मिल जाते हैं सारे टाइम के नाल, शौक अच्छा करा देंगे, कोई रफड़ा रुफड़ा नहीं पैदा हो सकता जी। तो दोस्तों इनकी शील्डें देते हैं और मैं आता हूँ उस तरफ, और बाकी वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा। ले जी दोस्तों, भाई इधर आओ, ये इधर आ जाओ। तो ले जी दोस्तों, ये इनकी एक शील्ड है 31 मार्च वाले प्यारे की, क्योंकि टाइम दोस्तों नहीं था मिल रहा, इस वजह से जो है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। इनका भादर बच्चे का इनाम था जी 31 मार्च वाले प्यारे में, माशाल्लाह से इनका बच्चा बैठा था जी। ये टाइम ऊपर 2:24:30 पे, ठीक है जी। और बेहतरीन परिंदे इनके उड़े थे उस दिन भी। और 31 मार्च का ये एक और इनका इनाम है। ये जनाब इनके तीन परिंदों के साथ इनकी एवरेज थी जनाब 29:26:11 और दूसरी पोजीशन थी इनकी जनाब। तो ये माशाल्लाह से इनकी शील्डें थी जो इन तक पहुंचा दी हैं। आप बीच में ले जी दोस्तों, ये इनकी तमाम तर शील्डें हैं जो इनको दे दी गई हैं, ठीक है जी। ये बहादुर बच्चे वाली है, ये जनाब इनकी पहली पोजीशन थी तीन कबूतरों वाले में, ठीक है जी, 12 मई वाले दिन। ये जनाब 31 मार्च में इनकी दूसरी पोजीशन थी। उसके बाद ये जनाब पहले से पहला जो हमारा 12 मई को उड़ा था, उस दिन लाहौर सारा कैंसिल था, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने परिंदे उड़ाए थे जी। तो ये इनकी हौसला अफजाई के लिए स्पेशली ये शील्ड दी गई है, ठीक है जी। शाह जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी अच्छा शौक देखेंगे और अच्छा शौक दिखाएँगे दोस्तों को, ठीक है जी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, बाकी इंशाल्लाह। हाँ जी, एक और छत रहती है हमारी, इधर आ इधर आ। ले जी ये उमैर भाई हमारे, एरिया भी हमारा यही विजिट करते हैं, उस्ताद जमाल तंदूर वाले, ये उनके बरखुरदार हैं जनाब। और तो इनका जनाब एक इनाम था हमारी तरफ, है ये हमारी इंतज़ामिया का हिस्सा ही, लेकिन इनाम जिसका वो देना ही बनता है। 7 अप्रैल का जनाब इनका बहादुर कबूतर का इनाम था दोस्तों, 6:48। और ये जनाब बहादुर कबूतर का आप टाइम देख लें, इनके तीन में से दो परिंदे बैठे थे, 6:48:07 पे बैठा था। और ये माशाल्लाह से उस दिन लाहौर में बड़ी छतों के जल्दी परिंदे बैठ गए थे। उमैर भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको भी। ले जी दोस्तों, अब किसी और छत से विज़िट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बहुत शुक्रिया जी। जी दोस्तों वेलकम बैक, ये उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरी छत पे मौजूद हूँ। तो ये हमारी उसी एरिया में सिंहपुरे ही कहलाता है ये, भगवान सिंह भगवानपुरे की छत है जी, राणा अमीन भाई अली रजा छत, राणा अमीन भाई के नाम से ये उड़ती रही है हमारे पास। तो तीन परिंदों वाले में इनकी भी पोजिशनें रही हैं, तो इनकी दो तीन शील्डें थी वो भी इनको देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये इनकी छत, हमजा भाई इधर छत दिखाओ इनकी, तो माशाल्लाह से छत इनकी अच्छी है। और ज़रा शौक जो है ना वो टाइम की वजह से महदूद से ही करते हैं एरिए का। तो माशाल्लाह से जितने तवारों में हमारे साथ इन्होंने शौक किया, इनकी माशाल्लाह से पोजीशन रही है। तो बाकी इनकी शील्डें वगैरह देते हैं। अमीन भाई इधर आओ यार, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ यार, आ बेटा इधर आ,
जी ये अली रजा भाई मेरे साथ है जी, और साथ आ जाओ आज ये अमीन भाई है, आ जाओ भैया अभी, और इन भाई का तारुफ कराइएगा। ये हमारे छोटे भाई हैं, समझ लेंगे अभी। इनका क्या नाम है जी? मोहम्मद रमजान। रमजान भाई है जी, ये सारे इकट्ठे ही शौक करते हैं इधर जी छत पे, तो कह रहे हैं कि जी अपना एक काम काज से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये शौक करते हैं। इनकी मेहरबानी है जी, हमारे टूर्नामेंट में इन्होंने साथ दिया, हमारा टूर्नामेंट कामयाब करवाया। तो अमीन भाई कोई हमारे दोस्तों को बताइएगा टूर्नामेंट में बेहतरी के लिए हम कोई और चीज़ कोई करना चाहें, कब आपके जहन में हो जो हम नहीं कर रहे। नहीं नहीं माशाल्लाह भाई, टूर्नामेंट आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखें इस तीन वाले में छोटे कबूतरबाज भी बल्ला मार लेते हैं और बड़े भी मार लेते हैं, और ये बिल्कुल एक मुझे आपका रूल सबसे ज़्यादा पसंद आया भाई, जो सात उड़ाएगा उसके पहले तीन गिने जाएंगे, सबसे बेहतरीन हाल है। क्योंकि जो इस तरह भाई छोटी छतों को भी मौका मिलता है वो भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं। बस माशाल्लाह बकाया बेहतर है सब कुछ, अल्लाह पाक आपको भी इज्जत दे और इसी तरह आप टूर्नामेंट करवाते रहे और कामयाब होते रहे। चले जी, तो मैं आता हूँ दोस्तों उस तरफ, तो शील्डे देंगे मेरे साथ है जी खलीफा हमजा भाई, वो इनको शील्डे देंगे इनकी, उसके बाद फिर तीसरी छत पे चलते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो पूरी देखनी है आपने। ले जी ये खलीफा हमजा भाई अमीन भाई को इनकी शील्ड देंगे जी, ये ऊपर डेट पढ़ सकते हैं। 12 मई को जनाब इनकी दूसरी पोजीशन थी, जिस दिन लाहौर सारा नहीं उड़ा उस दिन ये उड़े थे, तो ये इनकी दूसरी पोजीशन थी जी। पहले पहला बहादुर था जी इनका, पहले से पहला में इसके घंटे आप देख सकते हैं, छः घंटे 20 मिनट 2 सेकंड, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से इनकी दूसरी पोजीशन थी। अमीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। तो दोस्तों ये जो शील्ड है, कई दोस्तों के जहन में होगा कि पहले से पहले की नहीं दी, तो ये 12 मई वालों को स्पेशली दी थी, क्योंकि लाहौर नहीं उड़ा था। इन दोस्तों ने हमारे साथ मिलके शौक करवाया, आपको भी दिखाया, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए ये मेरे वाले साहब की तरफ से खसूसी शील्डें थी, ये इनको दी गई हैं जी, ठीक है जी। इससे पहले हमने नहीं दी किसी को भी। ले जी दोस्तों ये दूसरी शील्ड है इनकी, ये तीन परिंदे उड़े थे जी, डेट देख सकते हैं 5 मई, और जनाब इनके तीन परिंदों से बने थे जी, 25 घंटे 18 मिनट 42 सेकंड, ठीक है जी। और छत का नाम आप देख लें, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, दूसरी पोजीशन थी इनकी माशाल्लाह से। तो दोस्तों बेशक छोटा शौक है, लेकिन परिंदे अच्छे उड़े इनके, तो ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा, बाकी किसी दिन इनके परिंदों का भी आपको शौक करवाएँगे, बड़े अच्छे परिंदे इनके पास, कलेक्शन अच्छी है। तो अमीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको एक बार फिर से। उसके बाद ये जनाब, हाँ ये दोस्तों 12 मई जैसे कि मौसम ख़राब था सुबह के टाइम पे, तो माशाल्लाह से इनकी तीसरी पोजीशन है, 22 घंटे 43 मिनट 50 सेकंड। तो ये जितने टूर्नामेंटों में उड़े हैं हमारे साथ, इनकी माशाल्लाह से पोजीशन रही है, तो ये एक बड़ी बात होती है कि छोटे से शौक में दोस्तों पोजीशन लेना, और ये आसान काम नहीं था, बेशक तीन परिंदे थे। तो मीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट भी दोस्तों को ऐसा ही शौक दिखाएंगे, और आपका शौक हम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी करवाएंगे, ठीक हो। जी दोस्तों अब छत नंबर 3 जैसे कि आपको बताया था, मेरे साथ मौजूद है जी उस्ताद शिलाल गुज्जर साहब। ये माशाल्लाह से टूर्नामेंट करवाते हैं, साथ ही अपनी जुबानी बताएं टूर्नामेंट आप कौन सा करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। मिला शेरों का हम कप करवाते हैं, और बासु भाई के कप में हमारी एंट्री थी जी, तो हमारे नाम आए हैं, तो बासु भाई हमें टाइम से पहले देने आए। टाइम से पहले नहीं दोस्तों, टाइम में लेट हो गया, टाइम से पहले देने आए हैं, टाइम से पहले नहीं, टाइम लेट है। ये शिदात भाई आपकी मेहरबानी है, आप प्यार करते हैं भाई, लेकिन टाइम से मैं लेट हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं हो रहा था को हमारे पास कोई दोस्तों के पास, तो इस वजह से शील्डें काफ़ी हैं अभी भी देने वाली, जिनकी रहती हैं भाई सब्र कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों अगर कैमरा दिखा सके, इनकी जनाब 21 अप्रैल के प्यारे में चौथी पोजीशन थी, और इनके ये परिंदों की टाइमिंग है माशाल्लाह से, सबसे पहला परिंदा भी इनका उस दिन लेट बैठा था, जो पहला परिंदा है, ठीक है जी। ये उसी दिन के 2 इनाम हैं इनके, पहले से पहला, और ये जनाब चौथी पोजीशन है 7 परिंदों के साथ। तो 64 घंटे 35 मिनट 10 सेकंड दोस्तों, घंटे कम नहीं है, लेकिन मुकाबला बड़ा टफ हो गया आज कल। तो ये शिदात भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया। ये जी और दोस्तों ये इनकी दूसरी शील्ड थी, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हाल मुकीम दुबई वाले,
यूसुफ गोंदल भाई वैसन का ताल्लुक धर्मपुरा से, इंशाल्लाह उनके साथ भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। तो ये पहले से पहला उनकी तरफ से खसूसी इनाम था जी, ये एंट्रियों के और उसके अलावा था, ये उनकी तरफ से उन्होंने अपनी जेब से दिया, तो इनाम इनाम ही होता दोस्तों, चाहे वो 500 हो, 100 हो, 200। ये माशाल्लाह से पहले से पहला इनका इनाम है। 2:17:20 पर इनके माशाल्लाह से पहला परिंदा बैठा था, और उस दिन लोगों के 4-4, 5-5 इस वक्त तक बैठ चुके थे। तो ये शिराज भाई, ये दूसरा आपका इनाम हो गया जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। तो शिराज भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि कोई मेरी साइड नहीं लानी तुझे, ठीक, इस कप में बेहतरी लाने के लिए अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा, आपके जेहन में हो गया यार ये होना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं भाई। आप कप के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो हमारा भी भाईचारा है और आपका भी, हम भी कप उड़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ भी पूरा अच्छा तावन करते हैं, टीजियाँ हमें चंदे वगैरह देते हैं आप, तो जो आपका कप उड़ाया तो वो माशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आया आपके कप में उठा का, तो इंशाल्लाह तआला आगे भी और बेहतरी आएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाकी इनके साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, शिराज भाई आप भी तारफ करवाइएगा इनका। ये मेरे लिबा साहब हैं जी अरशद भाई, और इनके साथ मेरे दोस्त बैठे हुए मीटर भाई, और वो मेरा शरीर से बैठा हुआ है दाशर, वो शरी भाई हैं हमारे प्यारे, बहुत प्यारे भाई भाई आगे आ गए, ये कोई बंदे वीडियोस भी बना रहे हैं, ये नासर भाई से देखे जरा हमारी तरफ, नासर भाई हमारी तरफ देखे जरा, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं नासर भाई, ये जो हमारे कप में सिक्स पर्स होती है ये सर ये करते हैं, ये और ये व्हाट्सएप में हमारे बहुत प्यारे मेरे बड़े भाई हैं, ये व्हाट्सएप इधर हमारी तरफ देखे ना, अब अपनी वीडियो ना बनाए अपने भाई जी। दोस्तों शिदार भाई माशाल्लाह से रौनकी आदमी है, तो इनके कप में अगर कोई भाई जिसको नहीं पता इनके कप का उसमें भी एंट्री कराया करें, माशाल्लाह से अच्छा टूर्नामेंट बनाते हैं, तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह किसी दिन इनके साथ जरा खुले माहौल वाली गपशप कराएंगे आपकी छत के ऊपर परिंदों के साथ, बाकी जैसे टाइम मिलेगा, तो फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी भाई को इनाम देंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी में निकला नहीं जा रहा, दोस्तों के पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो शो करवाएंगे किसी छत से जेठ की बाजियों का, बाकी तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।